How to fix Vivo Y30 home button, back button, recent button not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फोन पे यदि आपका होम बटन, बैक बटन और रिसेंट बटन, ठीक है, ये सब चीज जो है काम नहीं कर रहा है, तो उनको कैसे करके आपको फिक्स करना है, इसी के रिगार्डिंग पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा होम बटन जो है उसमें क्लिक करने से भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, बैक बटन भी काम नहीं करते, रिसेंट बटन भी काम नहीं करते, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ फ्यूचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं वीवो के फ़ोन के अंदर पे, ठीक है, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ देर के लिए, जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सब काम नहीं करने का दो रीज़न हो सकते हैं, एक है आपका सॉफ्टवेयर का और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका हार्डवेयर का इशू हो सकते हैं, ठीक है, आपका मदरबोर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसके वजह से भी ये हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं आप। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पर कोई भी प्रॉब्लम है, हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि सॉल्व कैसे करना है प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करके देखना है, आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाके दोस्तों अपना एप्लीकेशन एंड परमिशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद ऐप मैनेजर पे जाइए और थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, शो सिस्टम पर क्लिक करके आपको पूरा नीचे सिस्टम लॉन्चर पर जाना है, ठीक है। सिस्टम लॉन्चर यहाँ पर जाके दोस्तों फोर स्टॉप करें, यहाँ पर दोस्तों ये हो गया स्मार्ट लॉन्चर, हमें जाना है सिस्टम लॉन्चर पे। तो ये रहा सिस्टम लॉन्चर पे, जैसे ही जाओगे आपको कर देना है फोर स्टॉप। उसके बाद दोस्तों इंटरनल स्टोरेज पर जाके आपको क्लियर डेटा करके ओके कर देना है। ओके करके दोस्तों परमिशंस वगैरह आपको यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा, उनको अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है। परमिशंस बैक टू बैक आपको अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए इसी के थ्रू। यदि प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होते तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखें, ठीक है। सिस्टम यहाँ पर आप जा सकते हैं सिस्टम अपडेट पर और मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखें, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम्स है आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं। सिस्टम मैनेजर पर जाके दोस्तों आप यहाँ पर बैकअप इन रिसेट पर क्लिक करके देखें, इरेस ऑल डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जाके दोस्तों आप अपना जो डिवाइस है उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन रीसेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होते। प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाना चाहिए रीसेट कर देने के बाद, लेकिन दोस्तों फिर भी प्रॉब्लम आते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर इजी टच का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों यहाँ नीचे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इजी टच पर जाइए, ये बटन को इनेबल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं, आप दोस्तों इसके मदद से भी जो है यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन को बैक करने के लिए टैब एंड होल्ड कीजिए और इसको स्लाइड कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रिसेंट बटन पर जाने के लिए क्या था यहाँ पर, तो इसको आप करने से क्या होता है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी कुछ फंक्शन है आपको यहाँ पर सीखना होगा इसके लिए, ठीक है। सीखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा इजी टच के ऑप्शन पे, आपको दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है वो सब आपको यहीं पर देख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर इसको यूज़ कर लेना है और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर खर्चा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एक और एप्लीकेशन आता है सिंपल कंट्रोल करके, आप उसको भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए यहाँ पर गेट टू सेट करके, आपको यहाँ पे दोस्तों सिंपल कंट्रोल को जाके अलाउ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अलाउ कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ रिसेंट बटन, होम बटन और बैक बटन मिल जाएगा, आपको बस साइड से इसको स्वाइप कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप करते ही ये गायब भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो समझ में आ गया, बस साइड से इसको स्वाइप करना है। यहाँ से आप रिसेंट बटन यूज़ कर सकते हैं, होम बटन, बैक बटन, ठीक है, सब कुछ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों साइट में
पूरा यहाँ पर साइड से इसको पूरा रिमूव करने के लिए आपको स्लाइड ही करना है, ठीक है, साइड से आपको स्लाइड करते रहना है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपका कम बन जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतने ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप हमें ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।